हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं हूँ अपनी मम्मी के घर और मम्मी ने बनाई एक बहुत अच्छी बेसन की सब्जी। तो चलते हैं किचन में और आपको दिखाते हैं मम्मी की बनी हुई बेसन की सब्जी। तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा बेसन। बेसन में डालेंगे हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर, लहसुन मिर्ची का पेस्ट और पानी डाल के उसका एक घोल रेडी कर लेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखेंगे। फिर कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। ऑयल के बाद उसमें बेसन का घोल डाल देंगे और इसे हिलाते हुए आपको पकाना है और हिलाते हुए रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े और अच्छे से सब मिक्स हो जाए, पक भी जाए। और दो से तीन मिनट में आप देखेंगे कि ये गाढ़ी हो गई है तो गैस ऑफ कर देंगे, लेकिन तब तक आपको इसे हिलाते हुए पकाना है। ये सब्ज़ी सबको बहुत पसंद है, ये बिल्कुल नए तरीके की सब्ज़ी है। आप देखेंगे मम्मी ने बनाया है और आज मैं बस वीडियो बना रही हूँ। मम्मी सब्ज़ी पूरी मम्मी ने बनाई है तो मैं मैच खड़े होकर बस वीडियो ही बना रही थी और आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी पता चले कि ये कैसे बनाते हैं। और ये रेडी हो चुका है। अभी क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और एक प्लेट में ऑयल लगा के इसे डाल देंगे और इसे फैला देंगे अपने हाथों से। ये सब्ज़ी सबको बहुत पसंद है। जब भी हम लोग मम्मी के घर आते हैं तो मम्मी सबको ये बना के खिलाती है और आप देख सकते हो मम्मी ने पूरे फैला दिया है इसको अच्छे से और बहुत जल्दी ये ठंडा भी हो जाता है। अभी तो ये गरम गरम ही ये काम करना पड़ता है तो अच्छे से हो जाता है। जब ये फैल जाए चारों तरफ फिर उसको पीसेस में कट कर लेंगे। तो आप शेप जैसे भी डाल सकते हो। मम्मी ने इसको बर्फी का शेप दिया है। सारे पीसेस को कट करने के बाद इसे साइड में निकाल लेंगे। अगर आपको कोई और शेप डालना हो तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन ये शेप अच्छी लगती है, ये सब्ज़ी भी अलग दिखती है फिर, तो मुझे यही शेप पसंद है। और इसकी थिकनेस आप देख सकते हो इतनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं करेंगे, इतनी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद इसे डीप फ्राई करना है। और डीप फ्राई करने के बाद बेसन रेडी हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में, तो बहुत टेस्टी लगता है, आप ऐसे भी खा सकते हो। तो इसकी ग्रेवी बनाते हैं। तो उसके लिए प्याज, टमाटर, लहसुन मिर्ची का पेस्ट और अदरक का एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करना है। फिर कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। ऑयल के बाद वो पेस्ट डाल देंगे और उसके बाद मसाले की बारी आई। तो मसाले में डालेंगे बेसिक सा मसाला है, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, सबको डाल के भून लेना है। और जब मसाले पक जाएंगे तो उसके बाद उसमें पानी डाल देना है। जब पानी बॉईल हो जाए तो उसमें आप बेसन के ये पीसेस डाल दो और ये रेडी हो चुका है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।